ना धीरता ना रे अब जाएंगे तो देर हो चुकी है। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है ना। आज तो हम जा ही नहीं सकते। चिंता मत करो बेटा, जैसे हमने डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया ना, वैसे हम डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर देंगे। हाँ, आजकल तो 3 दिन में तत्काल पासपोर्ट मिल जाता है, तो 7 दिन की जगह 4 दिन का ट्रिप मार लेते हैं। हाय राम, कितनी मेहनत की, पर यहाँ तो चोर से ज्यादा जल्दी कठरी को पड़ी है छुट्टी पर जाने की। हाँ, बन तो जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है सोम्या। देखो ना, कल शनिचर है, परसों इतवार, ओके, सोम और मंगल 2 दिन सरकारी छुट्टी है। अगर तुम बुधवार को अप्लाई करते हो तो बुध गुरु शुक्र 3 दिन के बाद मिलेगा। अब 3 दिन के बाद तो लक्ष्मी की सजा खत्म हो जाती है ना, यानी कि तुम्हारा हॉलिडे खत्म खत्म। वाह दादी, तीज पर क्या खबर सुनाई है आपने, तो अपनी बहू का दिल खुश कर दिया। बेचारी मेरी बहू के अरमानों पर यही खड़े खड़े स्विट्जरलैंड की बर्फ गिर गई। अरे कहाँ उड़नचू हो गए दोनों के पासपोर्ट। अरे मुझे याद आया, सुबह मुझे कुछ मिला था जो क्या। शिवजी, पासपोर्ट जलाया तो आपने पूजा का आइडिया देकर कल रात को सारी बात संभाल ली, फिर अब ये सबूत मम्मी के हाथ पहुंचाकर अपनी नादान सी बच्ची को क्यों फंसा रहे। हाँ मम्मी, ये तो अर्जुन के पासपोर्ट का हिस्सा है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर हमारे पासपोर्ट्स फाड़ दिए। ओह माय गॉड, ऐसा कौन कर सकता है भला। पूरी भासी, अगर सौम्या को मुझ पर शक हो गया तो गए काम से। वही जिसको अर्जुन और मेरे स्विट्जरलैंड जाने से प्रॉब्लम है। लक्ष्मी यही कर सकती है ऐसा। लक्ष्मी? अरे बस सौम्या, बहुत हो गया, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने मुझे क्या कोई पासपोर्ट फाड़ते हुए देखा है? हाँ? नहीं देखा ना। ये तो वही बात हुई कि मैंने तुम्हें मैनेजर को पैसे देते हुए देख लिया और सोचा कि तुमने हेलीकॉप्टर लेट करवा दिया। जब तब सबने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो अब तुम पे कैसे करेंगे, कि मेरे और अर्जुन के स्विट्जरलैंड जाने से सब खुश थे एक्सेप्ट यू। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। ये चित और पट मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे आता होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो गलत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन को बांटने का हुआ था, हासिल करने का नहीं। तुमने बेशक मेरी शादी अर्जुन से करवा दी है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी भी संभाल कर रखा है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का एक भी पॉइंट तुमने अल्टर करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें घसीटकर कोर्ट तक ले जाऊंगी। क्या आज तक कभी मैंने तुम्हारे समय या तुम्हारे और अर्जुन के प्राइवेसी के बीच आने की कोशिश की? नहीं ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे चीप गेम्स क्यों खेल रही हो? चुप क्यों खड़ी है लक्ष्मी, जवाब दे। अगर सौम्या का इल्जाम गलत है तो बोल उसे। मैंने तो वही किया जो सौम्या ने मेरे साथ। बस लक्ष्मी, अब इस बारे में और बात करके मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, फ्लाइट का टाइम भी हो गया, पर ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर कुछ भी गलत हुआ तो सौम्या,
तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रश्मि। अर्जुन, मैं मम्मी मैंने लक्ष्मी तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। कितना उदास कर दिया तुमने मेरी बहू को। भाई तो अब तो सौम्या ही आपकी बहू है, मुझसे तो कोई रिश्ता ही नहीं है आपका। बस लक्ष्मी, तुम्हारे साथ कोई भी बात करना बेकार है। मम्मी मैं दादी देख लक्ष्मी, एक माँ के लिए दोनों आंखें बराबर होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क तो हुआ है दादी, क्योंकि दोनों बार सभी घर वालों ने सिर्फ सौम्या का साथ दिया। वो इसलिए बेटा कि दोनों बार सबूत भी सौम्या के फेवर में ही थे, तो नेचुरली पलड़ा भी सौम्या का ही भारी होगा ना। पर दादी मैं सच ही, जब तेरा पति ही तेरे साथ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे लक्ष्मी, चोरी करना ठीक है पर सबूत छोड़ना ठीक नहीं है, और अगर सबूत छूट भी गया तो उसको सबके सामने बांध लेना कहाँ की समझदारी है। उस सौम्या को देख ले, पहले तो उसने तेरा हेलीकॉप्टर लेट करवाया, फिर तेरा एक हफ्ता ले लिया, और आज सबके सामने तुझे गलत साबित किया। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने सबके सामने मान लिया कि पासपोर्ट मैंने ही चलाया। तूने कहा नहीं, लेकिन एक बात तो मानती है ना कि कटघरे में चुप रहना भी गुनाह मानने जैसा ही होता है। और तो चुप रही क्यों, जिस तरह सौम्या ने तुझे सबके सामने गलत साबित किया तू भी करती। खैर जो भी हो, पर आइंदा ध्यान रखना ठीक है। और एक बात तो है लक्ष्मी, आज हमने अर्जुन को स्विट्जरलैंड जाने से रोक ही लिया, ये अच्छा हुआ। चल अब ये सब छोड़ और तीज की तैयारियां कर। और हाँ, बुआ ने चावल भी भिजवाए हैं अर्जुन के लिए, बढ़िया सी खीर बना, और मौका मिलती चुपके से खिला देना। खीर जब आधी पक जाएगी तो ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। अपना गुस्सा इन बेजान बर्तनों पर क्यों निकाल रही हो? आज शादी के बाद हम दोनों की पहली तीज है, चलो एक नई शुरुआत कर। तुम मुझे माफ कर दो और मैं भी तुम्हारी गलती भुला देती हूँ। अब मान भी जाओ ना, बात करने से तो दो मुल्कों के झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, और हम दोनों तो बहने हैं, साथ ही रहना। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी ने चावल भिजवाए होंगे ना, लाओ मुझे दे, एक साथ खीर बनाते। ये बहनों वाला प्यार तब कहाँ गया था जब तुमने मेरा और अर्जुन का पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई एम सॉरी सौम्या, लेकिन तब मेरे मन में ना तुम्हारा मेरे हेलीकॉप्टर लेट करवाने का इतना गुस्सा भरा पड़ा था। हाँ, लेकिन अब बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, पर इन सब बातों से ना मेरा मन पिघलने वाला नहीं है। अर्जुन 7 दिनों के लिए मेरा है, और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे सुलह करके तुम्हें उससे मिलने दूं। फॉरगेट इट, तुम्हारी सजा यही है कि तीज वाले दिन भी तुम अपने पति से दूर रहो, तभी तुम्हारी अक्कल ठिकाने आएगी। नाउ प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट, मुझे अपने पति के लिए खीर बनानी है, वो भी ये रेसिपी पढ़ तुम्हारी हेल्प लेकर नहीं। मैं तो तुमसे सुलह कर अपने झगड़े का अंत करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो चलो यही सही। वैसे एक बात बताओ, तुम चाहे जितनी मर्जी रेसिपीज पढ़ लो, लेकिन अर्जुन को पसंद तो मेरे हाथ की खीर ही आएगी। अच्छा तुम सौम्या दीवान को चैलेंज कर रही हो, तो मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, जीतना मेरी फितरत है। बहुत अच्छी बात है, जरूर होगी, लेकिन हारना तो लक्ष्मी ने भी नहीं सीखा। लक्ष्मी तुम्हें पापा स्टडी रूम में बुला रहे हैं। आई मम्मी, चलो ये भी बन गई।
फ्रूट्स काटना तो भूल ही गई। अच्छी बनी है। तो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और फिर चैलेंज हारना सौम्या का स्टाइल है। अर्जुन खीर खाएगा पर सौम्या के नाम से। सरप्राइज, तुम्हारी स्पेशल खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ कैसी बनी है? खुशबू तो बहुत बढ़िया। अरे मेरी खीर जल कैसे गई? पापा से बात करने गई थी तो मैं तो गैस बंद करके गई थी। खीर कैसे जल गई? अर्जुन टेस्ट करके देखो ना कैसी है। ये टेस्ट तो लक्ष्मी के हाथ की बनी खीर जैसा है। हे भोलेनाथ जी, इतने कष्ट लेकर अमरनाथ से ये सोचकर आई थी कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो सारे चक्कर ही उल्टे पड़ रहे हैं। पहले अर्जुन से 7 दिन की दूरी, फिर पासपोर्ट फाड़ने का इल्जाम, और अब मेरी अच्छी खीर को सौम्या ने ऐसी नजर लगाई कि वो जल ही गई। अब तो मायके के चावल भी नहीं कि खीर दोबारा बना लूं। कैसी तीज है ये, ना ही सिंदूर से अर्जुन को टीका लगा पाए, लौ से अर्जुन का हाथ जल गया तो वो भी नहीं देख पाए, और अब शगुन की खीर वो भी अर्जुन को नहीं खिला पाए। और कुछ बिगाड़ना है ना तो वो भी बिगाड़ लीजिए। रह क्या गया है? अरे ये क्या, मेरा बर्तन तो जला ही नहीं तो खीर कैसे जल गई? ये कैसे हो गया? ऐसे इसका मतलब सौम्या ने मेरी अच्छी खीर अर्जुन को दे दी और अपनी जली भुनी खीर मेरे बर्तन में डाल दी। इसको तुम्हें अभी बताती हूँ। रुक जा लक्ष्मी, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। घर वाले पहले ही तुझसे नाराज है, और बिगड़ गए तो? मैं कहती हूँ रहने दे, इस वक्त तेरे सितारे वैसे भी गर्दिश में। अरे चांद सितारे नजारे जो भी हो, लेकिन सौम्या नाम के ग्रहण को तो मुझे अभी संभालना होगा। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी तेरा विश्वास किसी ने नहीं किया तो ना करें, लेकिन सौम्या से तो मैं बात करके ही रहूंगी। ये खीर पक्का तुमने बनाई है? ऑफकोर्स मैंने ही तो बनाई है। वैसे लक्ष्मी ने भी कोशिश तो की थी खीर बनाने की, पर उसकी खीर जल गई। बेचारी, बहुत मूड खराब हुआ उसका। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसे अपनी खीर शेयर करने के लिए कहा, पर वो माने ही नहीं। हुआ कर आजकल उसके साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। तुमसे 7 दिन दूर रहने की पनिशमेंट मिली है ना उसे, इसलिए उसकी खीर भी मैं तुम्हारे लिए ले आई। एक चम्मच खा लो सिर्फ शगुन के लिए, उसके मन को दिलासा मिल जाएगा। दिलासा मेरे मन को दे रही है या मेरे बहाने से अर्जुन को जली हुई खीर खिला रही? बेचारा अर्जुन ये क्या खा रहा है?
नहीं। लक्ष्मी? लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? खीर मेरे हाथों से जली है ना, तो इसकी सजा अर्जुन को क्यों मिले? मैं अर्जुन से इतना प्यार करती हूँ कि उसे सिर्फ अच्छी और उसकी मनपसंद की चीजें खाते हुए देख सकती हूँ। उसी से मेरे मन को सुकून मिलता है, ऐसी जली हुई खीर खिलाकर नहीं। फर्क है, ये मन की बात है सौम्य, जो तुम्हारे जैसे बिजनेस माइंडेड इंसान के दिल में नहीं समा सकती। अर्जुन, मैं ये रख के आती हूँ। एक मिनट लक्ष्मी। अंदर अर्जुन के सामने तुम क्या प्रूव करना चाहती थी? तुम्हारा झूठा और बनावटी पन दिखाने आई थी। तुमने मेरी खीर अपने नाम से अर्जुन को क्यों खिलाई? मैंने तो जो भी कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। वैसे भी तुम 7 दिन तक अर्जुन से मिल नहीं सकती और ना ही उसे अपने हाथों का कुछ बनाया खिला सकती, तो तुम्हारी खीर तो वेस्ट हो जाती। मैंने यूज कर ली तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है सौम्या, कम से कम आज के दिन व्रत धारण करके तो अपने पति से सच बोल लेती। तुम इतने कठोर दिल की कैसे हो सकती हो सौम्या? मैंने तो तुमसे किचन में भी सुलह करने की कोशिश की पर तुम नहीं मानो। तुमने धोखे से अर्जुन को मुझसे 7 दिन के लिए छीन ली। कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का लिहाज तो कर लेती कि मैंने तुमसे अपने पति को बांटा और आज तीज के दिन सभी सुहागनों की तरह मुझे भी मेरे पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना था, उसे अपने हाथों से खीर खिलानी थी और तुमने मेरे साथ ये किया। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बहुत ही सीधी हो। तुमने तो कुछ किया ही नहीं ना, मुझे जाने से रोकने के लिए तुमने अर्जुन और मेरे पासपोर्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया। वाह, मैं फिर तुम्हें कह रही हूँ लक्ष्मी, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो गेम के रूल्स के मुताबिक कर रही हूँ। गेम? कौन सी गेम? ये तो हमारी जिंदगी है ना सोने। कैसी बीवी हो तुम जो झूठ के सहारे अपने पति से रिश्ता कायम करना चाहती है। लेकिन एक सच ये भी है, झूठ की इमारतों की नींव बहुत कमजोर होती है और देर सवेर गिर जरूर जाती है। या लक्ष्मी, ये जो तुम्हारी फिलॉसफी वाली बातें हैं ना, ये बुक्स में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। वही तो, इन्हीं फिलॉसफी वाली बातों में से एक बात तो तुम्हारे सामने ही प्रूव होगी। तुमने खीर बदल के कोशिश तो बहुत अच्छी की, लेकिन शायद अर्जुन के लिए मेरा सच्चा प्यार शिवजी ने देख लिया और अंत में अर्जुन ने वही खीर खाई जो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने बनाई थी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो सब, लेकिन अर्जुन मुझसे दिल से जुड़ा है और हम दोनों की जोड़ी पर खुद शिवजी का आशीर्वाद है। अर्जुन को तो मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। नाधिरता नारे।